हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। मैं कुशल से हूँ और ऐसी आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग कुशल से होंगे, मंगल से होंगे दोस्तों और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों हम आपको अगले वीडियो में अपने ले चलते हैं। और अपने वीडियो में आपको बताने से दिखाने से पहले दोस्तों आज के मौसम के बारे में दोस्तों थोड़ा सा बात कर लें कि आज का मौसम बहुत ही बेहतरीन और सुहाना मौसम हो गया है दोस्तों। वैसे कल और परसों दोस्तों मौसम बहुत ख़राब था और मौसम ख़राब होने की वजह से दोस्तों थोड़ा सा चिंतित थे हम लोग, जो खेत बोने के लिए पड़े थे और समस्या थी। और आज का मौसम बड़ा खुशनुमा मौसम है दोस्तों, धूप खिली हुई है और बढ़िया मौसम, बादल साफ है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हम आपको अपने वीडियो में ले चलते हैं, आज कुछ नया दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो में आप बने रहें, आगे नए कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों। बहुत जल्द ही हम लोग अपने काम में, डेली एक्टिविटी जो काम हैं उनमें पहुंचने वाले हैं और रास्ते में है दोस्तों रोड पर। और दोस्तों बहुत ही जल्द हम लोग पहुंचने वाले हैं और जा रहे हैं। आज आपको नया कुछ बनाकर वीडियो दिखाएंगे दोस्तों, नया वीडियो आपको देंगे। तो आखिरकार नया क्या होगा, कैसे होगा, तो बने रहें आप हमारे वीडियो में दोस्तों। यहाँ रोड है, रोड में थोड़ा सा गांव का रोड है तो इसमें चहलकदमी, छोटे छोटे वाहन आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों हम आपको आज अपने वीडियो में दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो आखिरकार क्या नया है, आप बने रहें वीडियो पे दोस्तों। यही हमारा जो बोर का दरवाज़ा, इसे बोलते हैं हम कुछ कह दें, क्योंकि यहाँ पर आने जाने के लिए सिस्टम बना रखा हुआ है और यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं, यहीं से बाहर निकलते हैं, इसी को बंद कर देते हैं दोस्तों। इसी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि यहीं सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं, चारों तरफ से बाउंडेशन की हुई है और वायर जो होता है तार के माध्यम से चारों तरफ बाउंडेशन की हुई है, क्योंकि जानवरों की सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत होती है दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग अम्बोर में अपने आ गए हैं और दोस्तों वही अड्डा, वही चीज़ें आपको शायद पीछे दिखाई दे रही होंगी दोस्तों। हम आपको बताना चाहेंगे ये हमारी धान गंजियाँ हैं और जो गंजियों का पिछला वीडियो आपको दिखाया था, जब बनाए थे हम लोग गंजियों को और बनाने वाला जो सिस्टम था वो आपको दिखाए थे, आपके बीच में शेयर किए थे गंजी हम लोग कैसे बनाए थे दोस्तों। इस तरह ये गंजियाँ हैं और इन गंजियों को आज खोलेंगे दोस्तों, और खोलेंगे और दिखाएंगे आपको कैसे खोल करके हम लोग इसको कैसे सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए थे और कैसे इनको खोल करके अंदर कैसे सुरक्षा व्यवस्था बनी थी, तो उसके बारे में आपके बीच में कुछ बताएंगे, शेयर करेंगे दोस्तों। इसी के बारे में हम आपको बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं दोस्तों। इस प्रकार आप देख सकते हैं हम लोग अपने गंजियों को बचा गए हैं और ये पराली है, इसको जिसमें धान नहीं लगा था उसको सुरक्षा व्यवस्था के लिए, ताकि इसमें कचरा ना पड़े और चिड़िया ना चुन जाए, इस व्यवस्था के लिए दोस्तों हम लोगों ने इसमें सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी दोस्तों। जिसमें धान नहीं है, इसमें धान बिल्कुल नहीं है, ये खटाई वाला है जिसमें धान अलग कर दिया गया था, खाली पराली है, इसको ढकने के लिए अगर बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है तो ये सुरक्षा में काम आएगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हम खोल रहे हैं अपनी गंजी को आज बिल्कुल पकड़ो। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग अपनी गंजी आज खोल रहे हैं। इस गंजी को खोल रहे अभी तक जो छटाई की दोस्तों, तो उनमें हुआ क्या है दोस्तों कि वो गंजी वाला नहीं था दोस्तों, उसे छुट्टा बढ़ा के रखा हुआ था और गंजी नहीं बनाई थी, क्योंकि वो मौके में था, मौके में जल्दी से उसको फायर करके अलग कर लिया गया। अब इनको इसलिए रखा गया था कि मौका पड़ता है, मौसम शायद ख़राब हो गया, वैसे भी आप लोग बता दें परसों और कल का मौसम काफ़ी ख़राब था, मौसम आज का खुला है, बड़ा खूबसूरत मौसम है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग को भी उसके इस प्रकार से दोस्तों हम आज बड़ी अच्छाई का धान की चढ़ाई काम शुरू कर रहे हैं और इस तरह से खोल रहे हैं, इस तरह से बना के रखा हुआ था बाजी। हाँ रखो और आगे बढ़ा के रखो और आगे बढ़ा के खोल रहे हैं दोस्तों, जैसे हमने रखा था वैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों हम आपको अपनी गंजी दिखाना चाहेंगे, गंजी जो खोली है अभी, चारों तरफ से चारों एंगल से दिखाना चाहेंगे
और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से बिल्कुल सुरक्षित जैसे हमने रखा था वैसे ही सारा जो धान है, सारी लांक है, वो सारा कुछ सुरक्षित ज्यों का त्यों रखा हुआ आप देख सकते हैं। अगर अभी खोल दिए हैं इसकी वजह से थोड़ा सा इसकी जो लांक है निकाल ली गई है, नहीं धार धारदार बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल ज्यों का त्यों रखा हुआ जैसे हम लोगों ने रखा था पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ। इन गंजियों में दोस्तों सुरक्षा व्यवस्था हमारी बनी रहती है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि गंजियाँ इसलिए हमें लगाने के लिए जरूर विशेष ज़रूरी होता है। धान गंजियों में रख दिया जाता है जो लाख होती है तो हमारे धान की सुरक्षा बनी रहती है। अगर मौसम बारिश होती है या कुछ होता है, कोई गड़बड़ी आती है और तो दिक्कत परेशानी नहीं होती दोस्तों। तो इस प्रकार से हम आपके बीच में आज ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, गंजी खोलने वाला, गंजी खोल करके धान दिखाएंगे आपको, आगे इसकी पथराई शुरू करेंगे दोस्तों। ये काम हमारे लगातार हो रहे हैं। तो दोस्तों इस बार खोल करके हम लोग गंजी को खाली कर दिए हैं, काफ़ी खाली हो गई है और छोटी वाली गंजी थी जो खाली हो गई है। और दोस्तों इस बार गंजी से लांक निकाल करके इसमें इस बार हम लोग एक जगह रख लेते हैं और रख करके दोस्तों अब इसकी कुटाई करेंगे, पथराई करेंगे, यानी छटाई करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से ये रख लिया इकट्ठा एक जगह, अब इसको बार बार लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ से, क्योंकि यहाँ खड़े होकर के इसकी छटाई करेंगे, पछराई करेंगे दोस्तों। इस बार से हमारा काम चालू हो रहा है और मैं कैसे काम कर रहा हूँ दोस्तों आगे देखेंगे। दोस्तों इस बार हमें सुरक्षा के लिए ताकि दिक्कत नहीं मिले, परेशानी ना मिले, क्योंकि सर में कचरा पड़ता है और मुँह के नाक भी आता है, तो नाक में मास्क वगैरह भी लगा सकते हैं, मास्क भी है, लेकिन दोस्तों मास्क लगाने में मज़ा नहीं आता, तो करते क्या है कि मास्क को सर में से अलग बांधना पड़ता है और मास्क अलग लगाना पड़ता है। इसके लिए हम लोग मास्क का प्रयोग बहुत कम करते हैं और अक्सर आपको बताएं मास्क वगैरह है तो दिक्कत होती है सांस लेने में, इस कपड़े में कहा कि उसका हमारी ज़्यादा बनी रहती है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको बांध लेंगे और बांध देंगे दोस्तों। अभी भी बांध रहे हैं हम आपको, अभी चेहरा हमारा दिखाई देता रहा है क्योंकि भैया वीडियो बना रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारा काम शुरू हो गया दोस्तों, कटाई के बाद बीज बीज में रुक करके इसकी सफाई करनी पड़ती है और इस तरह ये अल्होरा, इसे बोलते हैं अल्होराई, तो अल्होर लेते हैं कचरा जो बीज गिरता है, इसको अलग कटाई करके इसको अलग कर लेते हैं और इसमें जो दाना फंसा रहता है, जो बालियां फंसी रहती हैं, उनको अलग करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारा काम लगातार हो रहा है। दोस्तों आपको गंजी दिखाएंगे, इस प्रकार दोस्तों गंजी हमारी देखिए इस तरह खाली हो चुकी है और धान की जो लांक थी हमारी बिल्कुल सुरक्षित रखी हुई थी, ये देख सकते हैं आप लोग। और इस प्रकार से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये व्यवस्था ये की जाती है दोस्तों, इस पर व्यवस्थित रखा जाता है। अब व्यवस्थित रख करके अब इसको निकाल करके अब इसकी छटाई कर लेंगे, कुटाई कर लेंगे और पछराई करने का पचास थोड़ा सा बचा हुआ देखिए दोस्तों, ये गंजी खाली हो गई है और इस प्रकार से काम लगातार शुरू है दोस्तों हमारा। हम बार बार थोड़ा थोड़ा करके आपको ब्रेक दे के और सारी चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं ताकि आपको हमारे काम का जो एक्टिविटी है वो समझ में आ जाए दोस्तों आपके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, अगर दोस्तों पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अगर नहीं पसंद आया दोस्तों तो कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो आपको पहले सबसे पहले मिले दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में, तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तो बने रहें आप लोग और स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों, स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।